अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हाँ, मैंने इतना सब किराए पे लिया है सिर्फ तुम्हारे करोड़पति चाचा कुबेर सिंह को इम्प्रेस करने के लिए। अरे तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, उन्हें अपने पुराने घर पे ही बुलाना था। अरे आजकल दिखावे का जमाना है, मेरे करोड़पति चाचा हमें करोड़पति जैसे देखेंगे तो हमारी इज्जत उनकी नजरों में और भी बढ़ जाएगी। हाँ। कैसे हो मोटू पतलू? नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। हम ठीक है। मैं आज तुमसे कम से कम 30 साल के बाद मिल रहा हूँ। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने लाइफ में बहुत तरक्की की है। उड़ी पापा, मोटू पतलू, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? सीताराम, वेरी सॉरी, लेकिन तुम अब जाओ क्योंकि हम चाचा जी से कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अब प्लीज। उड़ी पापा, धक्का क्यों देता है? जाता हूँ। हेलो सर, आपका बांग्ला बहुत अच्छा है। उड़ी पापा, अरे मैं जा रहा हूँ। चाचा जी, मैं फिर कभी आपसे मिलने आऊंगा। मोटू पतलू, ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये बंगला तुम्हारा नहीं है। सॉरी चाचा जी, ये सब हमने किराए पे लिया है। अरे चाचा जी, आप तो करोड़पति हो, और अगर आपने हमें टूटे फूटे घर में रहते हुए देख लिया होता तो आपके दिल में हमारे लिए इज्जत और प्यार और भी कम हो जाता। मोटू, इंसान की इज्जत रुपयों से नहीं, उसके अच्छे कर्म और अच्छे आचरण से होती है। गलत काम करोगे तो कभी इज्जत नहीं होगी। चाचा जी, आजकल बस सब लोग रुपया ही देखते हैं, सही काम गलत काम कोई नहीं देखता। अच्छा ये बात है, तो ये बैग लो, इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। तुम्हें ये 1 हफ्ते में पूरे खर्च करने हैं। देखते हैं तुम्हारी कितनी इज्जत होती है। ध्यान रहे, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और 1 हफ्ते में पूरा खर्च करना है, वरना जितना खर्च किया है वो सब वापस करना होगा। ओके चाचा जी, जय हो, आज से हम करोड़पति जैसे रहेंगे। अरे चाय वाले भैया, आज तो पेट भर के समोसे खिला दो। अच्छा पेट भर के, लगता है तुम्हारी लॉटरी लग गई है भाया, लो खाओ। सकता, कितने रुपए दूं? अरे 5,000 रुपए। हाँ बस 5,000। अरे कितने सस्ते में समोसे बेचते हो, थोड़ा रेट बढ़ा के बेचा करो। हाँ खैर कोई बात नहीं, ये लो पूरे 5,00,000 रुपए। अरे 5,00,000 क्यों लूं? अरे मैं कोई मेहरबानी नहीं मांग रहा, मेहनत की कमाई खाता हूँ। चलो 5,000 दो बस। हाँ। अरे चाय वाले भैया, रख लो ये रुपए, रख लो और अपनी दुकान बहुत बड़ी और नई करा लो, हमारी तरफ से इनाम समझ के रख लो भैया, रखो ना। ये लो मेरी तरफ से इनाम। हाँ। अरे हाथ क्यों चलाया, मैं तो रुपए दे रहा हूँ ना। अरे भैया, तुम लोग जरूर कोई चोरी करके आए हो, यहाँ से भागते हो या चिंगम सर को बुलाऊं? हाँ। अभी तो सिर्फ 5,000 ही खर्च हुए हैं, चलो मॉल में चलकर शॉपिंग करते हैं। मोटू
मोटू 2 दिन से शॉपिंग कर रहे हैं, 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ, अब क्या करे? लगता तो है कि लोगों को पैसा अब बांटना पड़ेगा। अरे और कितना शॉपिंग करे, घर में सामान रखने की भी जगह नहीं है। ओए, ओए बैंक लूट के आ रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, बस यूं ही शॉपिंग करके आ रहे हैं। बॉक्सर भैया ये लो रुपए, नया बॉक्सिंग रिंग बनाना है, नया पंचिंग बैग खरीद लो। रोना, ओए अपने चोरी के रुपए में मुझे भी भागीदार बनाना चाहते हो? ये लो। कर दिया यार, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। ये लो बड़े भैया, सब कुछ नया खरीद लो, पूरी लैब नई बना लो, जो चाहे जितना चाहे जहाँ भी चाहे ले लो। ओए मान सुटिया पापड़ वाले नो, इतने सारे रुपए कहाँ से आए यार, किधर चोरी की है? डॉक्टर झटका, हमने चोरी नहीं की है। तो डाका डाला होगा, हमको तुम्हारा ये रुपया नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। अब तुम दोनों यही बंद रहोगे जब तक कि चिंगम सर नहीं आते। ओए घसीटे, चिंगम सर को बुलाओ जल्दी यार। हमने चोरी नहीं की, अरे हमें खोल दो। हमने चोरी नहीं की, हमें खोल दो, हमें खोल दो। हमने चोरी नहीं की। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम ही कुछ सोचो पतलू, अब क्या करें? ये रुपए तो खर्च होंगे ही नहीं। आइडिया, खर्च नहीं हुआ तो क्या हुआ, चोरी तो हो सकते है। अरे चाय वाले भैया, कभी भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख चाहिए तो बस फोन कर देना, हम आके दे जाएंगे। 1 लाख 2 लाख 10 लाख, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे जॉन भैया, पता नहीं कहाँ से आया है, पर सुबह से रुपए बांटने में लगे हुए हैं। हाँ जॉन आ रहा है, जल्दी से सो जाओ, बैग जॉन ले जाएगा और हम चाचा से ये कह देंगे कि रुपए खर्च कर दिए। खिड़की खोल के इतने सारे रुपए टेबल पे रख के सो रहे हैं, ये सारा मामला गोलम गोल है। बैग चुरा लो, कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा, ले जाओ ले जाओ। कोई नहीं पकड़ेगा, हाँ ले जाओ, ऐसी आवाज आई अभी, आवाज आई। लेकिन आवाज दी किसने? जॉन को पकड़ना डिफिकल्ट ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज चोरी करके बैग ले जाओ प्लीज। मुझे नहीं चाहिए, चोरी करने के लिए कह दियो, शर्म नहीं आती। अरे ले जाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। भाग जाओ वरना चिंगम सर को बुला लूंगा। चिंगम सर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी जॉन, डॉक्टर झटका ने मुझे फोन पे सब बता दिया था, लेकिन मैं शहर से बाहर गया था। मोटू पतलू, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भागो यहाँ से, हम तो अपने ही पैसे बांटने के चक्कर में जेल में जाएंगे, भागो। भारत माता की कसम,
वाला डायलॉग यूज किया तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। मोटू पतलू रुक जाओ। मोटू पतलू रुक जाओ, भाग के कोई फायदा नहीं यार, तुम बच के नहीं जा सकते है। अरे अपने ही पैसे लेकर जा रहे हैं और लोग चोरों की तरह हमें चेस कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब हमें उनको सच बता ही देना चाहिए। अब समझ में आया मोटू, इज्जत रुपयों से नहीं अच्छे कर्म करने से होती है। लोगों को लगा कि तुम चोरी करके ये रुपये लाए हो और सब तुमसे अलग हो गए, क्यों समझे कि नहीं? सब समझ गया चाचा जी, सब समझ गया। अरे चाचा जी, हम तो हमेशा अच्छे काम ही करते हैं, आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। आप कुछ समोसे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत भूख लगी है।